नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नवरात्रि से पहले मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी का इंतजार खत्म होने ही वाला है, क्योंकि उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, जल्द ही एक घोषणा की जा सकती है और उसमें केंद्रीय कर्मचारी के डीए को 34% से बढ़ाकर 38% किया जा सकता है। दोस्तों, इस खबर को हम आपको सब डिटेल में समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, देश में त्यौहार के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। गणेश उत्सव खत्म होने के बाद नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दिवाली और भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार महंगाई भत्ते में करीब 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। दोस्तों, सरकार ने महंगाई भत्ते में अगर 4% की बढ़ोतरी की तो केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा और इसका सीधा लाभ 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट यह भी दावा कर रही है कि कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी 1 अक्टूबर 2022 से मिल सकती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जून के आंकड़ों को देखते हुए सरकार कम से कम 4% का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। दोस्तों, हाल में ही सोशल मीडिया पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का नोटिफिकेशन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस नोटिफिकेशन में दावा किया गया है कि सरकार ने 23 अगस्त 2022 को महंगाई भत्ता बढ़ाने पर निर्णय लिया था, लेकिन यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर सरकार इसे 4% बढ़ा देती है तो यह बढ़कर 38% हो जाएगा। ऐसे में अगर आपका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है तो आपका कुल डीए 6,840 रुपये और कुल लाभ 720 रुपये प्रति माह होगा। वही अधिकतम 56,000 रुपये मूल वेतन पर डीएम के रूप में 27,312 रुपये मिलेंगे। इसमें आपको कुल 2,276 रुपये प्रति माह का लाभ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।